हेलो 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 ग्रेटिट्यूडर्स, उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं, मस्त हैं और जबरदस्त हैं। दोस्तों, आज का ये वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जो कि हमारे यूट्यूब फैमिली मेंबर्स ने किया है, और ये वीडियो है हाउ टू रिमूव एनी एडिक्शंस थ्रू पावर ऑफ हो ओ पुनो पुनो। राइट, अब वो एडिक्शन अगर आपको है या फिर आपके घर में किसी को, कैसे आप हो ओ पुनो पुनो करोगे? तो आज के वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं, ये सीखने वाले हैं। तो अगर आप भी हो पुनो पुनो से जुड़े वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड रखते हैं, हो पुनो पुनो को सीखना, उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना, उसके हीलिंग प्रोसेस को समझने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने हो ओ पुनो पुनो से जुड़े 200 से भी ज्यादा वीडियोस बना चुके हैं। 200 से भी ज्यादा लेक्चर्स हम लोगों ने हो पोनो पोनो पे डिलीवर किया है, जो कि मेहर थाउजेंड ऑफ थाउजेंड एंड थाउजेंड पीपल्स के लिए लाइफ चेंजिंग साबित हुआ है। दोस्तों, तो आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, जहां हम लोग जानने वाले हैं कि हो पोनो पोनो से कैसे किसी का बैड एडिक्शन को, किसी के स्मोकिंग एडिक्शन को या किसी भी तरह के एडिक्शन को रिमूव किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरा नाम है शाहरुख और आई एम योर हो पुनो पुनो लाइफ कोच। मैं हो पुनो पुनो से जुड़ा वीडियोस इसलिए बनाता हूँ क्योंकि हो पुनो पुनो ने मेरे लाइफ को ट्रिमेंडसली बहुत ही ऑसम लेवल में चेंज कर दिया है। आज हमारे लाइफ में जो कुछ भी है उसे क्रेडिट में इस मैजिकल डिवाइन प्रेयर को देना चाहूंगा, क्योंकि इसी प्रेयर के बदौलत मेरे लाइफ में हेल्थ, हमारा वेल्थ, हमारा रिलेशन, हमारा करियर और हमारे ट्रू पर्पस से हमें कनेक्ट होने का मौका मिला विद द हेल्प ऑफ दिस मैजिकल डिवाइन हीलिंग प्रेयर। तो अगर अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो यू शुड बी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट कि आपको सबसे पहले अपना प्रति और अपने ईश्वर के प्रति धन्यवाद देना चाहिए कि ईश्वर ने आपको मौका दिया इतने लाखों करोड़ों वीडियोस में से इस वीडियो को देखने का। तो दोस्तों, कैसे आप पुनो पुनो से अपने स्मोकिंग एडिक्शन को या अपने घर के किसी खास के स्मोकिंग एडिक्शन को हील कर सकते हैं, इस तरीका को समझने के लिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें, और अगर आपको समझ में आए तो सबसे पहले अपना फीडबैक जरूर हमसे हमारे साथ शेयर करें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आराम से बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, टेक सम डीप ब्रीथ, राइट, ओपन योर हार्ट, एक्सपेक्ट मिराकल्स, टेक सम डीप ब्रीथ, होल्ड एंड इनहेल एंड लिटिल बिट एक्सेल, राइट। नाउ लेट्स से थैंक यू थैंक यू थैंक यू एंड लेट्स गो, नाउ लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले आप लोगों को दोस्तों ये बात समझने की जरूरत है कि हो ओ पुनो पुनो जब भी आप करने के लिए बैठे या हो पुनो पुनो मेडिटेशन जब भी आप करने के लिए बैठे, चाहे वो आप किसी और के लिए कर रहे हैं या खुद के लिए कर रहे हैं, सबसे पहले आपको हाफ ब्रीथिंग कर लेनी चाहिए। यस, हाफ ब्रीथिंग क्या है मैंने इस वीडियो में अच्छे से बताया है, आप इस आई बटन में जाके इस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें हम लोगों ने बताया है हाफ ब्रीथिंग क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस होपनोपनो में क्या है। इन शॉर्ट अगर आप लोग को बताएं तो हाफ ब्रीथिंग एक ऐसा ब्रीथिंग एक्सरसाइज है जहां पर ही हम लोग 4 टाइम्स इनहेल करते हैं, 4 टाइम्स होल्ड करते हैं, फिर 4 टाइम्स के लिए एक्सेल करते हैं, फिर 4 टाइम्स के लिए एम्प्टी रहते हैं, राइट, यानी अपनी सांसों को होल्ड करके रखते हैं, सांसों को लेते नहीं है। तो इस प्रोसेस को हम लोग 7 टाइम 10 टाइम्स करते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाफ ब्रीथिंग। तो इस तरह से अगर आप हाफ ब्रीथिंग के साथ होपोनोपोनो को स्टार्ट करते हैं तो फायदा ये होता है कि आपका माइंड बॉडी सोल अलाइनमेंट में आ जाता है। तो पहले सबसे पहले तो आप इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको हो ओ पोनो पोनो से कैसे एक हार्मोनी क्रिएट कर सकते हो, कैसे अपने एडिक्शन से अपने आप को या अपने घर वालों को बचा सकते हैं, छुड़ा सकते हैं, इस चीज को समझने के लिए आपको ये प्रोसेस अच्छे से समझना है जो अभी हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले खुद को बिल्कुल शांत होने दें, खुद को काम होने दें, खुद को बिल्कुल स्लो डाउन होने दें, ओके। अपने मन, अपने बॉडी, अपने सोल को बिल्कुल अलाइन में आने दें, ठीक है। अपने सारे स्ट्रेस को, टेंशन को, डिप्रेशंस को, सारे को एक साइड करके अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स और काम होने दें।
ओके एंड ये आप लोगों को बताते चले कि जब आप हो पुनः पुनः करते हैं तो हो पुनः पुनः के साथ माना एनर्जी, जिसे हम लोग यूनिवर्सल एनर्जी कहते हैं, वो एनर्जी आपके कनेक्शन में आ जाती है और उसके हेल्प से आप अपने डिजायर को मैनिफेस्ट कर पाते हैं। तो चलिए कैसे करना है इस चीज को समझिए। सबसे पहले आपको एक ऐसा प्लेस ढूंढ लेना है जहां आप शांति से कुछ देर बैठकर मेडिटेशन कर सकते हैं। उसके बाद आपको डिवाइन पावर को इन्वोक करना है, यानी अपने डिवाइन को, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, जिस भी नाम से उन्हें आप पूजते हैं, उनको, उनकी श्रद्धा करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनको इन्वोकेशन करना है, उनको बुलाना है, ठीक है। और उनको बुलाते हुए आपको ये 100% रेस्पॉन्सिबल होना है, यानी आपको 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। किसके लिए? अगर आप खुद के लिए कर रहे हैं तो खुद के लिए, और अगर आप किसी और पर्सन के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप ही जिम्मेदारी लीजिएगा, क्योंकि आपने ही ये तय किया है ना कि आप उनके एडिक्शन को छुड़ाना चाहते हैं, इसीलिए आप यूनिवर्स से हेल्प चाह रहे हैं इस प्रेयर के माध्यम से। तो आपको उनकी इस सिचुएशन का 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए आपको अपने आप को सरेंडर करना है, किसको? यूनिवर्स को, ठीक है। तो कैसे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे? आप ये कहोगे कि आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर, अगर आपके लिए कर रहे तो आप कहोगे फॉर माई क्रेविंग, एंजाइटी एंड द नर्वसनेस दैट कॉजेस नॉट बीइंग एबल टू स्मोक, ठीक है। आप ये खुद को लिए कहोगे। अगर आप किसी और के लिए कर रहे हैं तो आप इस समय इस तरह से कहोगे कि आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज और हर क्रेविंग, एंजाइटी एंड नर्वसनेस दैट कॉजेस हिम और हर नॉट बीइंग एबल टू स्मोक, ठीक है। ये एक बार आपने स्टेटमेंट कह दिया, ये एक ओपनिंग स्टेटमेंट होता है जिसमें आप अपना इंटेंशन रखते हैं। वैसे तो हम लोग बताते हैं कि विदाउट इंटेंशन करना सबसे अच्छा होता है, लेकिन आप इसे दो तरह से ही कर सकते हैं। तो आज जो हम लोग इस तरीके को सीख रहे हैं, इसको हम लोग इंटेंशन के साथ सीख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको, अगर ये आपके लिए है, तो आपको फील करना है कि जब आपको एडिक्शन का या स्मोकिंग का, जब आपके अंदर क्रेविंग आता है, जब आपके अंदर क्रेव जगता है, जब आपके अंदर वो दिल में वो जज्बात आते हैं कि अब आपको स्मोक करने की लालसा हो रही है, स्मोक करने की आपके अंदर इच्छा पैदा हो रही है, राइट, आपके अंदर डिजायर आ रहा है, तो उस इमोशन को आपको फील करना है। कैसा फील होता है जब आपको किसी भी तरह की एडिक्टेड चीजों पे आप इन्वॉल्व होते हो, राइट। तो इन्वॉल्वमेंट से पहले आपके अंदर जो इमोशंस होते हैं जनरेट, उसको आपको फील करते हुए, उसका 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए आपको इस तरह से कहना है कि आई वॉन्ट टू हील दैट ओल्ड, आई वॉन्ट टू हील दैट क्रेविंग्स, आई वॉन्ट टू हील दैट एंजाइटी दैट नर्वसनेस, ठीक है। इसके बाद आपको कहना है, इसके बाद यूनिवर्स को थैंक यू कहते हैं, आपको 3 बार थैंक यू कहना है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ठीक है। उसके बाद आपको फिर इस तरह से कहना है, आप नोट बनाते चले, ठीक है, क्योंकि आपको नोट की जरूरत पड़ेगी। आप नोट बनाकर प्रॉपर एक अपना इस मेडिटेशन को करने के लिए, इस प्रैक्टिस को करने के लिए प्रॉपर अपना एक नोट बना लें। इस नोट को आप 4-5 बार देखें, उसके बाद आप इसको प्रैक्टिस में शुरू करें, ठीक है। उसके बाद आपको कहना है, ठीक है, जिस भी भगवान को आप मानते हैं या जिस पर भी आप श्रद्धा रखते हैं, उनको इवोकेशन करते हुए, उनको याद करते हुए आपको इस तरह से कहना है, ठीक है, कि प्लीज क्लियर एनी थॉट, प्लीज के बाद आप उनका नाम लोगे, उसके बाद कहोगे, जैसे हम कह रहे हैं डिविनिटी यूनिवर्स, तो आप यूनिवर्स भी कह सकते हैं, नो इशू। तो आप कहोगे प्लीज यूनिवर्स या प्लीज डिविनिटी टू क्लियर एनी थॉट मेमोरी एरनेस बिलीव दैट इज कॉजिंग दैट एंजाइटी एंड नाउ रैप माई होल बींग इन दिस हाई वाइब्रेशंस मंत्रास फॉर हीलिंग टू ऑकर माई क्रेविंग, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपको फिर से थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहना है, ठीक है, खुद को हग करना है, उसके बाद फिर खुद को आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, फिर आपको आई लव यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, फॉरगिव मी,
थैंक यू, आई लव यू वेरी मच, आई एम रियली सॉरी, फॉरगिव मी फॉर माई अनकॉन्सियसनेस, यानी मैंने जाने अनजाने में जो भी गलती किया है उन सब के लिए मैं माफी चाहता हूँ, उन सब के लिए मैं खुद को क्षमा करता हूँ, मुझे खुद से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं जैसा हूँ मैं खुद को वैसा स्वीकार करता हूँ, राइट? फिर आपको कहना है आई लव यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. सरेंडर एवरीथिंग टू डिविनिटी एंड ऑल्सो एक्सेप्ट दैट सो आर अ ब्लेसिंग्स एंड द पॉजिटिविटी ऑफ रिसीविंग इंस्पिरेशन टू मेक द चेंजेस दैट आर नेसेसरी टू हील यू डे टू डे लाइफ. ठीक है, उसके बाद आपको आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लेट गो, आई ट्रस्ट दैट द इमोशंस विल हील. ये आप अपने लिए भी कह रहे हैं, अगर आप किसी और के लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए सोचकर उसका इंटेंशन रख के अपने दिमाग में कर रहे हैं, तो आपको ये सोचना है कि उसके अंदर से ये इमोशंस हील हो रही है, क्योंकि उनके इमोशंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने लिया है. ओके, उसके बाद आपको कहना है आई लेट गो एंड आई ट्रस्ट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. ठीक है, जब आप ग्रेटिट्यूड से इस प्रेयर को आप फिनिश करोगे और इसी प्रोसेस को आप 10 से 15 मिनट तक करोगे, ठीक है? आपको समझ में आ गया? सभी को समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया है तो क्लियर लिख के चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए. अगर समझ में नहीं आया है तो आप हमारे ग्रुप के साथ जुड़े, जहाँ पर हम लोग डिटेल्स में क्लासेस देते हैं, कोर्सेस कराते हैं, काउंसिलिंग देते हैं, जहाँ पर आप लोगों को और ज़्यादा बेनिफिट मिलता है. ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा. इसमें हम लोगों ने कुछ तरीके बताए हैं, प्रेयर को किस तरह से कहना है, कौन सा फ्रेजेस कितने बार कहने हैं, ये चीजें भी अच्छे से बताया है. तो अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो तो इसको जरूर दूसरों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि तो एडिक्शन डे बाय डे बढ़ते चले जा रहा है, खास करके जितना यंग जनरेशन है वो एडिक्शन की शिकार हो रहे हैं, जस्ट बिकॉज दे आर वांट टू हील देयर स्ट्रेस एंजाइटी. उन लोग खुद को एंजाइटी से बचाने के लिए, स्ट्रेस से बचाने के लिए खुद को एडिक्शन के हवाले कर दे रहे हैं. तो दोस्तों ये हमारा और आपका फर्ज बनता है कि उन तक या उनके लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी लेकर हीलिंग करें, उनके लिए प्रे करें, उनके लिए मेडिटेशन करें, ताकि उन सबका भला हो, सबका मंगल हो. तो आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा. हेल्पफुल हुआ हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका दिल से बहुत सारा प्यार, धन्यवाद, आभार. थैंक यू, लव यू.